या इनसो या जेजेपी की तरफ से एक विश्वास दिलाता हूं कि जब भी हम सत्ता में थे हमने खुलकर वीसी का विरोध किया, हमने सरकार का विरोध किया, हमने प्रदर्शन किया, हमने यूनिवर्सिटी को ताले लगाने का काम किया। हम छात्र हितों की बात सदैव करते हैं और सदैव करते रहेंगे। एक अधिकार रखते हैं कि स्टूडेंट के हित के लिए अगर कोई गलत हो रहा है या कोई कॉलेज गलत हो रहा है या मैनेजमेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए प्रतिनिधि तो हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर एमएलए एमपी का चुनाव हो सकता है तो छात्रों के हित के लिए छात्र संगठन का होना जरूरी है, छात्र संघ करेगा। आज विभिन्न यूनिवर्सिटियों में इसी के मेंबर जो होते हैं कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि इलेक्शन होते ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि फीस वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। आज सिरसा के अंदर इनसो का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत संख्या में पहुंचे हैं। स्टूडेंट्स से जानेंगे क्या कुछ इनके हितों की बात आज यहाँ पे की गई है, क्या कुछ चीजें हुई है। सोनीपत के जो जिला युवा अध्यक्ष है इनसो के, वो यहाँ पे कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण भाई, कैसा कार्यक्रम रहा और जो युवाओं की बात है, छात्र संघ चुनाव की बात है, किस तरह से मत देखते हैं इन चीज़ों? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे छात्रों की आवाज़ को लिए पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में आप उसकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हो। जहाँ तक आपने छात्रों के हितों की बात कही तो मैं छात्रों के हितों के लिए अपनी पार्टी या इनसो या जेजेपी की तरफ से एक विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी हम सत्ता में थे हमने खुलकर वीसी का विरोध किया, हमने सरकार का विरोध किया, हमने प्रदर्शन किया, हमने यूनिवर्सिटी को ताले लगाने का काम किया। हम छात्र हितों की बात सदैव करते हैं और सदैव करते रहेंगे। आज भी दिग्विजय भाई साहब ने, दुष्यंत भाई साहब ने जोर दिया, जो जो उन्होंने अपने टाइम पे यहाँ पे सरकार में रहते हुए छात्रों के हितों के लिए, जैसे हमारी जो छात्राएँ हैं महिला, अपनी जो अपनी छात्राएं हमारी बहनें हैं उनके लिए फ्री बस पास की सुविधा करने के लिए, हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीट को बढ़ाने के लिए हमने सदा संघर्ष किया है। आज भी भाई साहब ने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी और तो हम सत्ता में आने के बाद छात्र संघ चुनाव पर पुरजोर कोशिश करेंगे। तो लगता है आपको जो चीज़ें आज कही गई हैं वो साकार होंगी? देख लो, जब ये तो जनता के हित की बात है, अगर जनता ने मन बना लिया सरकार बने के लिए तो ये तो चौधरी देवीलाल का परिवार है, वो तो चलते चलते गाड़ी में कानून बना दिया करते। यही भाई साहब का था, जब सरकार में थे तो 75% का कानून था, युवाओं के लिए तो उन्होंने अलग कॉलेज को बढ़ाने का काम किया, खिलाड़ियों की बात करें तो उनको डाइट प्लान का बढ़ाने का काम किया। ये तो सदा जनता के हित का काम करते हैं। अगर सरकार ने दोबारा खुल के अगर इनके हाथ में पूरे की कलम की ताकत देगी तो आप तो आप अपने चैनल के माध्यम से आप दिखाओगे कि जो इन्हें बोला ना उससे दुगुना करने का काम करेंगे। आपको लगता है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? देखो, कोई भी अगर छात्र या युवा शक्ति है ना, उसको अगर बचपन में ही, या एक जैसे एमपी के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, हम अपना एक प्रतिनिधि तो चुनने का अधिकार रखते हैं। तो स्टूडेंट के हित के लिए अगर कोई गलत हो रहा है या कोई कॉलेज गलत हो रहा है या मैनेजमेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए एक प्रतिनिधि तो हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर एमएलए एमपी का चुनाव हो सकता है तो छात्रों के हित के लिए छात्र संगठन का होना जरूरी है। छात्र संगठन का होना सब जरूरी है, जब अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो एक अध्यक्ष या एक जिम्मेवारी या स्कूल या यूनिवर्सिटी के नाम चाहते हैं आप छात्र चुनाव? हाँ जी, छात्र चुनाव होने चाहिए। क्यों, क्या फ़ायदा हो? उससे हमारा एक प्रतिनिधित्व हो जाएगा जो कॉलेज के सामने जाकर हमारी बात को रख सकेगा। जो बच्चे हैं वे प्रिंसिपल के वगैरह वीसी के वगैरह पास जाने में कतराते हैं, वे अपनी बात उसके सामने रख पाएंगे और उससे स्टूडेंट्स को बहुत सुविधा मिलेगी। सांगवान साहब, आप भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में चले जाए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि जब उनका कोई भी प्रतिनिधि किसी भी संगठन का हो चाहे किसी समाज का हो, अगर कोई संगठन का प्रतिनिधि आगे आता है तो फिर जो उसकी विभिन्न तरह की जो समस्याएँ होती है वो समस्याएँ सोल्व होती है। अगर एक प्रतिनिधि बनता है, एक वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है, तो वो यूनिवर्सिटी में जाकर के इसी का एक मेंबर बनता है। जब फीस वृद्धि होती है तो उसकी उसको रोकने के लिए, उस आवाज़ को उस फीस वृद्धि को कम करने के लिए, उस आवाज़ के खिलाफ बोलने के लिए कौन बोलेगा? वो स्टूडेंट का एक प्रतिनिधि, उसको वहाँ का प्रेसिडेंट जो इसी का एक मेंबर होगा वो उसको रखवाने का काम करेगा। आज विभिन्न यूनिवर्सिटियों में इसी के मेंबर जो होते हैं कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि इलेक्शन होते ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि फीस वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। जो शिक्षण संस्थाएं सरकारी होती थी वो आज फीस लाखों के संख्या में फीस लेती है। जो गरीब बच्चा था जो एक गांव में रह करके एक अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो यूनिवर्सिटियों के टेस्ट क्लियर कर दिया करता था, लेकिन आज वो फिर भी एडमिशन अगर उसका हो भी जाए तो वो वैन नहीं कर सकता क्योंकि लाखों रुपये की जो फीस है
जो हॉस्टल के नाम पर वृद्धि की जाती है, पहले कोऑपरेटिव मेस चलाई जाती थी, आजकल कोऑपरेटिव मेस नहीं चलाई जाती, जहां बच्चों के साथ जहां उच्च क्वालिटी के टीचर चाहिए, जहां एक स्टूडेंट उसको आवाज़ों को उठाता था, आज वो आप कहीं पे भी देख लेना वो नहीं मिलता। ए फंड का जो पैसा होता है पर स्टूडेंट, आज किसी भी कॉलेज में आप जा करके देखिएगा, ए फंड का पैसा कहीं खर्च नहीं होता, क्योंकि वो स्टूडेंट के विंग नहीं है, स्टूडेंट की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये सारे के सारे मुद्दे, जब क्वालिटी एजुकेशन और सारी की सारी चीज़ें हैं, और यही नहीं, जब जिस तरह से एक नेता बनकर के जब जाते हैं तो फिर वो विधानसभा और लोकसभा में भी जाते हैं, तो फिर वो स्टूडेंटों की हकों की बात और मांगों को उठाते हैं। तो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है, जब दिल्ली में चुनाव हो सकता है, जब राजस्थान में चुनाव हो सकता है, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव हो सकता है, तो हरियाणा में भी चुनाव हो सकता है। और जब 2018 में चुनाव हुआ था, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ था, तो अभी इसको सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए और छात्रों की आवाज़ को सुनने वाला कोई होना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को कोई उठा सके। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के कि किस तरह से, चाहे प्राइवेट एजुकेशन में हो, आज ये मुख्य मांग उड़ रही कि चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, जो सारा की सारी फीस का वहन हो वो गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, ताकि गरीब बच्चे पढ़ करके आगे जा सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके।